अपना विजय पथ सुनिश्चित करने के लिए बंगाल में भाजपा ने अपने विजय रथ का आगाज जो है वो शुरू कर दिया है। आज बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवद्वीप से हरी झंडी दिखाकर भाजपा की रथ यात्रा का नेतृत्व किया। इस बीच वो मालदा पहुंचे, जहां पर उन्हें काफी लोगों का सहयोग मिला, भारी जनाधार मिला। यहां पर वो किसानों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी की और अपनी माटी से जुड़े होने का परिचय भी मालदा वासियों को दिया है। यहां पर हम आपको बता दें कि बीजेपी का रथ यात्रा से जो ताल्लुक है वो काफी पुराना है और बीजेपी से रथ यात्रा को लेकर जो इतिहास है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम आपको बता दें कि भाजपा में रथ यात्रा की जो नींव है वो लाल कृष्ण आडवाणी ने रखी थी और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के समय में उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाला था। हालांकि ये रथ यात्रा पूरी नहीं हो सकी थी क्योंकि उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर दिया था। बहरहाल इसका अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस रथ यात्रा को आयोजित किया गया था उसको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भाजपा पूरी तरह से सफल हुई। उस यात्रा में भाजपा को काफ़ी जनाधार मिला। तो इस तरह से जब जब भाजपा रथ यात्रा का आगाज करती है तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन है उसके फेवर में ही जाते हैं। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, भाजपा के लिए ये रथ यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण है। पहले तो इस रथ यात्रा के लिए बंगाल सरकार इस परमिशन देने के लिए काफ़ी समय लगाया और इस रथ यात्रा की परमिशन देने में काफ़ी हिचकिचा रहे थे। उनका हिचकिचाना भी लाजमी था क्योंकि जिस बात का डर ममता सरकार को इस रथ यात्रा से है वो कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। आज जब भाजपा की रैली में जो जनाधार दिखा वो कहीं ना कहीं ममता की रातों की नींद उड़ाने वाला है। इस यात्रा में श्री राम जय श्री राम के नारे भी खूब लगाए गए और हम और आप इस बात से वाकिफ हैं कि जय श्री राम के नारे से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कितना डर लगता है। अगर हम हाल ही की बात करें तो हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मंच पर जो घटना घटी थी वो काफ़ी दिलचस्प रहा था, जहां ममता बनर्जी जब अपना भाषण देने के लिए मंच पर आई तो उसी समय जय श्री राम के नारे लगने लगे और जिससे ममता बनर्जी ने अपना भाषण बीच में ही बंद कर दिया। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता सरकार इस रैली के लिए परमिशन देने के लिए क्यों इतना हिचकिचा रही थी। ये रथ यात्रा कुल 5 चरणों में निकाली जाएगी जो कि 294 विधानसभा क्षेत्र को कवर करती हुई जाएगी। बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां भाजपा जीत का हुंकार भर रही है, वहीं टीएमसी भी ये दावा कर रही है कि आने वाले चुनाव में टीएमसी ही बंगाल में अपना परचम लहराएगी। बहरहाल आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये विजय रथ किसके फेवर में जाती है, भाजपा के या फिर तृणमूल के। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।